इंस्टाग्राम तो डाम बलूचिस्तान में मौजूद है, और ये हैं छोले और ये हैं पराठे। तो बलूचिस्तान के पराठे और छोले हम खाते हैं, देखते हैं हैं कैसे। अभी हम जा रहे हैं कश्ती में बैठने, हमारे साथ कौन कौन है? ये उमर भाई डर रहे हैं, जा नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से इनको तैयार किया है। और आगे हमारे ये असद आबिद भाई हैं, इनकी शादी हुई है, नहीं नहीं जबी जल्दी भाग रहे हैं माशाल्लाह से, 2 महीने हो गए इनकी शादी को। ये सामने कश्ती आ गई, इसमें बैठ के अब पता नहीं हमें असद भाई कहाँ लेके जाएंगे, कुछ नहीं पता। यहाँ पे कश्ती में चढ़ना पड़ेगा तो मोजे और जूते गीले हो जाएंगे, और जूते मैंने फात भाई से लिए उधार तो उनको वापस भी करने, इसलिए भाई उतार के जाना पड़ेगा। ये हम कश्ती में बैठ गए, ये देख रहे हैं अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के समंदर के बीच में नीचे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दरख्त निकाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, और जो चाहे कर सकते हैं, इंसान की अकल से बालातर जो इंसान के ना समझ आने वाली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे करके दिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोग कराची से दाम पहुंचे, दाम से हमने ये दाम हो गई। शाम हुई और ये कश्ती हमने बुक करी, पर भी हम यह मारोड़ी के डाड़े मारोड़ी के डोड़े पहुंच गए, और हमारा था मारवाड़ी आना था वो नहीं आया, तो हम लोग ये मारोड़ी पहुंच गए, तो ये मारोड़ी पहुंच गए हम लोग, लेकिन हमारे साथ मारवाड़ी नहीं आया, उसने हमारे साथ सीन कर दिया। ये हमारे नान भाई बड़ा रिस्क लेके ड्रोन उड़ा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं आप दरख्त हैं, दिल इनका बहुत कर रहा है, हमारा भी दिल कर रहा है, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा है, मगर काले 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 तो आएंगे, लेकिन मंजर जो है ना वो बड़ा प्यारा है। अबे उड़ा तो लूंगा, पानी में गिर जाएगा मसला, ये डाउनलोड यहाँ तो पानी का मिलना तो जरूर उड़ेगा ऊपर जाएगा, डम डम ये तो है, साहिल पे जाएंगे ना वहाँ उड़ा लेंगे, उधर उड़ाएंगे। तो भाई अभी उड़ाने का सीन हमारा कैंसिल हो गया, तो अभी नहीं उड़ा रहे, तो इंशाल्लाह ये है कि फिर उड़ाएंगे, अगली बार बड़ा लेके आएंगे ना फिर उड़ाएंगे, बड़ा या छोटा उड़ाने का मसला है। उड़ाने वाला लेकर आएंगे, उड़ाने वाला लेके आएंगे, अभी हम लोग ट्रेन नहीं है बिल्कुल भी, ट्रेन है नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, औकात नहीं अभी हमारी, बहुत छोटे लोग हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल, तो हम कहाँ से लेके आए, आजा भाई चैनल सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा वाला लेके आएंगे हम लोग ड्रोन। अबे भाई देख के आइयो, ये देखे बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं हमारे उमर भाई, ये बड़े जिगरे वाले, ओए उमर भाई, उमर भाई
आपको पता हम तो ये देख रहे हैं हमारे खजरों के खिलाड़ी, खजरों के खिलाड़ी करते हैं, चार खजर है जंगल में, और जंगल में मंगल हो रहा है क्या कर रहा है भाई। पहली बार मछली पकड़ रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, आती नहीं आती, अंकल मुझे बताएंगे, सही तरह गाइड करेंगे कि कैसे फेंकना है, कैसे मुझे बोलना है, खाली ऐसे पकड़ो, इधर से नहीं नीचे से, बिल्कुल नीचे से हत्ते से पकड़ो, हाँ धागा बिल्कुल खुला छोड़ दो। हाथ में सिर्फ देखो, वो बैठ जाए अभी आराम से, अभी यहाँ झींगे की बिरयानी बन रही है और मछली फ्राई। सिग्नल चले गए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था, सिर्फ जैज आ रहा था, तो खुशी हुई। थैंक यू जैज। अंकल ने सिलेंडर खोल लिया है, मसाले ये पड़े हुए, पतीली गरम तेल डाल दिया है इसमें, भाई तेल की बोतल दो अंकल को। चल मंगल काम कर रहे, मेरा दिल कर रहा है इनके साथ काम करने का, मंगा देख रहा हूँ, मंगा आपको पीला अंकल ने मौका दे दी है। ये देखें, ये ऐसे लोग होते हैं, माँ का काम नहीं करेगा कभी, माँ बोलते रहेगी, माँ का फेवरेट बच्चा हूँ मैं, माँ बोलते रहेगी कोई काम नहीं करेगा, नहीं ऐसा बताओ को भी अच्छा मिला नहीं ना, ये अच्छी बात बोली कि माँ को इससे अच्छा मिला नहीं तो अच्छा कह दो, कहने का तो क्या कह सकते, ये उठ के पानी नहीं पीते घर में, और यहाँ देखे चमचे हिला रहे, मसला कुछ ऐसा हो गया कि हम सब सामान लेके आ गए लेकिन नमक भूल गए, तो अभी हम सोच रहे हैं क्या करें, अब यहाँ तो फूड पांडा वाला भी नहीं आता और ऊबर भी नहीं आएगी ना करीम आएगी, क्या करें, कोई आइडिया है आपके पास, तो कोई है ही नहीं सर्विस, कहाँ जाए अब बगैर जायके वाली बिरयानी खानी पड़ेगी, खा लेते हैं क्या करें, मजबूरी है कुछ तो पेट में जाएगा, इतनी मुश्किल हो गई है, नमक नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ किश्तियाँ गुजरी हैं, उनको आवाज लगा के देखता हूँ कि उनके पास नमक है, किसी के पास नमक है, ये आवाज आ रही है आगे से, देखा अब यार कोई देगा ही नहीं, मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलहमदुल्ला नमक मिल गया, चावल भिगोने रख दिए, और इस वक्त झिंगो को भून रहे हैं, अदनान भाई जो हैं सालन बना रहे हैं, खाना बनने में टाइम है और हम लोग लेट चुके हैं थोड़ी देर सोने के लिए, नीचे के व्यूज चेक कर रहे हैं, है ना अच्छे, उबैर भाई तुमने मिस कर दिया, ऐसा भाई के लिए और खराब कर दिया, पूरी बिरयानी बाहर आ चुकी है, मछली भी हमारे साथ खाने में, और सैलेड यहाँ पर बनाया, सैलेड बनाया है ये इन्होंने बनाया, यानी आ चुकी है और सैलेड आ चुकी है, सैलेड बन सलाद खाएंगे तो मज़ा आएगा, सीधे हाथ से खाएंगे, समंदर के बीच में झींगा भी यहीं तैयार है, कोल्ड ड्रिंक सलाद सब चीज़ रेडी, अब हम जा रहे हैं डेजर्ट वाली जगह पे जहाँ पर रेगिस्तान है, हम बाय सी जाएंगे, वैसे ज़्यादातर लोग बाय रोड जाते हैं लेकिन हम लोग इधर आए हैं तो यहीं ठहरेगा, बाय सी जाएंगे डेजर्ट पे, तो बाकी आपने सारा व्यू देख ही लिया है, तो फिर से वहीं जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ये सामने हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे सहरा है और समंदर भी है, ज़्यादातर लोग यहाँ बाय रोड आते हैं लेकिन हम लोग बाय सी आए क्योंकि हमारे पास 4x4 नहीं है। देख रहे हैं भाई दुबई के मज़े, पाकिस्तान में दुबई के मज़े करें, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे।
तो भाई देखें, अभी हम आ गए हैं दुबई के अंदर बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के और बगैर जहाज़ के टिकट के। हम कश्ती में बैठ गए हैं, मजाक कर रहा हूँ। यह है पाकिस्तान का हिस्सा, डाम के अंदर रेगिस्तान और समंदर। बस यहाँ पे वो वाली गाड़ियाँ नहीं चलती। तो ये खूबसूरती चेक करें भाई, कम से कम इनको डिस्कवर करना चाहिए ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को। यहाँ पे बूट बूट छोड़ने लगे भाई। हम ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुबई में आए हुए हम कश्ती के अंदर बगैर एरोप्लेन के, बगैर वीजा के, बगैर पासपोर्ट के। अबे उड़ा ले यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे भाई ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हवा बहुत बहुत तेज है। एक्सपर्ट नहीं है हम लोग, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। उड़ जाएगा तो बोलेंगे भाई और कर देंगे, क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। थोड़ा सा उड़ा लेते हैं अरजान भाई, यहाँ बोल लो ऊपर फिर लो नहीं, इधर उड़ाओ उधर भाई, गिरे तो इधर गिरा के। ड्रोन निकाल लिया है भाई लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है, हम प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं अपना। वहाँ क्या करें, इससे अच्छा हम डाम में उड़ाएंगे, घर जाके छत पर उड़ाएंगे। ये देखो ना बगैर स्टार्ट भी नहीं किया कैसे घूम रहे हैं, समझ सकते हो भाई आप। इतना महंगा लिया हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए का भाई। बहुत इंजॉय किया, रेगिस्तान अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मौसम